हमारी भाषा ऐसी होने लगी। बोलते मैं साउथ इंडिया गया अपने दोस्त के यहाँ, तो उसकी वाइफ जो है उसको हिंदी नहीं आती थी, तो बोले शैलेश जी घर पे आ रहे हैं तो तुम कहना खाइए खाइए, शर्म मत कीजिए। मैं गया, मैंने बोली खाओ खाओ, शर्म तो है नहीं। लैंग्वेज कैसे आ रहा है? प्रोग्राम में एक साथ मिले, मेरे को आके बोला वो बहुत अच्छा कविता सुना है, मुझे खुद समझ में नहीं आया मैंने क्या सुना है। मैंने अच्छा बहुत अच्छा, आप कैसे? बोले मैं मोजे में हूँ। मैंने कहा मैं साथ में जूते में भी हूँ। बोले नहीं मैं मोजे में हूँ, पहले मेरे को दो माँ था। तो मैंने कहा तेरे बाप की प्रॉब्लम है। बाद में पता चला उसे दमा था, मुझे दो माँ था। खतरनाक थे, बात में झगड़ा हो सकता है। मेरे को बोला अच्छा आपने बहुत अच्छा कविता सुनाया, शाम को भोजन पे आओ। मैं चला गया, अंदर रोटी यही खा लेंगे जैसे आप चुला जी में भुलेंगे। वहां गया तो एक तस्वीर लगा रखी और कीर्तन। मैंने कहा भोजन बोले चल रहा है ना। अबे मैंने कहा वो कहाँ है? तो लाया, मेरे को बोला रसगुल्ला खा पो। मैंने खाया, बोले पेप्सी कोला खा पो। मैंने कहा रसगुल्ला भी खा पो, पेप्सी कोला भी खा पो, कुछ तो पी पो, सब कैसे खा पो। फिर मैंने कहा बुलाया क्यों? बोले किसी का जन्मदिन पे जाना है तो कविता लिख के दो। मैंने किसी और का शेर दे दिया, अपना क्यों लिखे? वैसे भी नहीं लिखते अपन, किसी और का पढ़ा। मैंने कहा ले जा। शाम को आया, बोले क्या लिख के दिया? जूता पड़ा। तू जूता पड़ा, किसी का जन्मदिन में शेर लिख के दिया था? मैं गिला करता हूँ, मैं शिकवा करता हूँ, तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूँ। तू क्या सुना क्या? बोले मैं सुनाया न गीला कोरता हूँ न सूखा कोरता हूँ, और तुम शाला मत रहो ये दुआ कोरता हूँ। मैंने कहा तुझे जिंदा छोड़ दिया वो बहुत नहीं है क्या? तुम शाला मत रहो। हाँ देखो कई लोग बोलते शौक का सो सैलेश भाई क्या शायरी सुनाई है। मैंने कहा शाबाश, लेकिन जो स को श बोलते हैं उनका प्रॉब्लम दूसरा है। एक जने को बोलना था सिट डाउन, कहाँ पे? बोले सोफे पे। मैंने कहा सोफे में? हाँ बोला, हमारा पूरा परिवार सोफे पे।